इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायक बने। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स में कोरोना की देसी वैक्सीन लगवाई। जब दिल्ली जगह भी नहीं थी तब प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का टीका लगवा चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने का वक्त सुबह सुबह का था, वो वक्त जब सड़कों से लेकर अस्पताल कहीं भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। सुबह 6 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला निकला। तब तक अंधेरा भी पूरी तरह छटा नहीं था और मोदी एम्स पहुंच गए। उन्होंने सुबह करीब 6:30 बजे एम्स और ICMR के सहयोग से बनी भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया वैक्सीन ली। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने टीके के खिलाफ अफवाह गैंग पर सबसे बड़ी चोट की और भ्रम फैलाने वालों की बोलती बंद कर दी। अगले हफ्ते से 60 साल से ऊपर के सभी मंत्री, सांसद, विधायक टीका लगवाएंगे। बड़ी बात यह है कि ये सभी मंत्री, सांसद और विधायक पैसे देकर टीका लगवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के टीका लगवाने के बाद दो ऐसे नाम हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है और उनमें से एक हैं निवेदा और दूसरा नाम है रोसम्मा अनिल। ये दोनों नर्सें हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को एम्स में कोरोना का टीका लगाया। प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाने वाली पी निवेदा पुडुचेरी की हैं, रोसम्मा अनिल केरल की रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन लगाने के बाद दोनों नर्सों ने क्या कहा, ये सुनिए। आज सुबह पता चला PM सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 2018 में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते वगैरह बात हुए सर से, और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to say, sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. Just very nice. Sir also is very comfortable. प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, विरोधियों ने टिप्पणी की। ऐसे में राजनीति करने वाले हर शख्स को देश के स्वास्थ्य मंत्री की बात भी सुननी चाहिए। हमारे सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने हेल्थ मिनिस्टर से अभी एक्सक्लूसिव बात की। कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। सर, आज जो जिस दूसरे चरण की शुरुआत हुई उसके शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाया, सबसे पहले तो इसके जरिए क्या संदेश लोगों तक जाएगा जो आज तक कतरा भी रहे थे वैक्सीन लगवाने से? देखिए, जो वैक्सीन के संदर्भ में, एक पर्टिकुलर वैक्सीन के संदर्भ में और ओवरऑल वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो थोड़े मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी, जिसके कारण एक समाज में, एक वर्ग में वैक्सीन हेजिटेंसी जो है उसका एलिमेंट डेवलप हो गया था, मैं समझता हूँ वो सब चीज़ें तो अब जड़ से समाप्त हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक लीडिंग बाय एग्जाम्पल, इस तरह का एक आदर्श प्रस्तुत करा। 16 तारीख को सारे देश के लिए लॉन्च किया, अपने लिए वैक्सीन के लिए 1 मार्च तक इंतज़ार किया, और वैक्सीन लगाने के समय पे भी वो वैक्सीन जिसके बारे में इतनी सारी गलत फहमियाँ पैदा की जा रही थी, अपनी स्वदेशी वैक्सीन, भारत में बनी हुई वैक्सीन, जिस वैक्सीन के लिए सारे दुनिया में जो है डिमांड हो रही है, हमारे देश की दोनों वैक्सीन जो है वो दुनिया के 28 देशों के अंदर वो भेजी जा चुकी हैं, और साथ में जो 1 करोड़ और करीब 35-40 लाख जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स इन दोनों वैक्सीन को लगवा चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी प्रकार की गलत फहमी ना रखें। और राजनेताओं को भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि राजनेताओं को भी अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए, उनको अपने आप को प्रिविलेज्ड क्लास नहीं समझना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि सारे देश में MPs को, MLAs को, कॉरपोरेटर्स को, पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधियों को, इनको सबको जो है अब वैक्सीन लगवाना चाहिए। साथ में देशवासियों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं या 45 से 59 के बीच में जो लोग को मॉर्बिडिटीज़ यानी दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं शरीर में, उन सबको जो है आगे आके वैक्सीन लगवानी चाहिए। और सरकार ने, भारत सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है, ये सारी वैक्सीन पूरे देश के लिए भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से ये
जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है, और प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें जो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं वो एक मामूली सी जो है कि उसके लिए धनराशि खर्च करेंगे, जो लोग अफोर्ड उतना भी नहीं कर सकते हैं वो सरकारी अस्पताल में जाके निःशुल्क इसको लगवाएंगे। हर्षवर्धन जी, आज प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीनेशन लगवाया तो गले में उन्होंने आसाम का गमछा पहना था, और जिन नर्सेज ने वैक्सीनेशन लगवाया वो केरल और पुडुचेरी की है। इसको लेकर सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि आखिर इसके जरिए क्या संदेश प्रधानमंत्री ने दिया? देखिए, वो प्रधानमंत्री सारे देश के हैं। अभी मैं पिछले दो दिन नागालैंड में था, मणिपुर में था, मैं तो चार दिन लगातार जो है वहाँ का जो है पोशाक मेरे को उन्होंने लोगों ने पहना के रखी थी। तो प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं, इस बात का तो कोई मायने नहीं है कि उन्होंने कौन सा गमछा पहना हुआ था, कौन सी। मेरे को 35-40 साल मुझे प्रैक्टिस में 83 से मैंने शुरू किया ऐसे ENT सर्जन, मेरे पास तो जितने मैं अगर मेजॉरिटी अपनी नर्सिस को जिन्होंने मुझे सर्व किया उनको याद करूं तो वो केरल की थी, लेकिन मैंने तो कभी इस दृष्टि से आज तक नहीं सोचा कि मेरे को सर्व करने वाली नर्स या मेरे को सहयोग करने वाला हेल्थ वर्कर ये कौन से प्रांत का है, कौन सी जाति का है, कौन सी भाषा बोलता है। तो इस प्रकार के मैं इनको एक प्रकार से ओछे सवाल कहूँगा, मतलब इन सवालों को खड़ा करना भी या इनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ कि ये कमेंट के लायक भी नहीं है, जवाब देने लायक भी नहीं है। आप सवाल पूछ क्यों रही हैं ये भी मुझे नहीं उचित लग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और अब उनके पास सिर्फ 10 से 15 साल है, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, और जिन लोगों की उम्र कम है 10 15 साल के हैं या 20 30 साल के हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, ऐसा बयान उनकी तरफ से आया है, इस पर आपका क्या? देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनके इस लॉजिक को तो मेरे को ग्रास्प करने में बहुत कठिनाई हो रही है। ये जो प्रायोरिटीज़ तय की गई हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी ने ऐसे ही तय कर दिया, मन में आया कि 60 के ऊपर वाले को लगा दो। 45 साल से 50 साल से ऊपर के लोगों में 80% में कोविड के दौरान देखा गया कि वो बीमार हुए या मोर्टालिटीज़ हुई, उसके आधार पर सारे दुनिया ने अध्ययन किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइंस तय की, हमारे एक्सपर्ट्स ने विचार विमर्श किया, उसके बाद तो ये गाइडलाइंस बनी हैं, उसके बाद तो ये प्रायोरिटीज़ तय हुई हैं। अगर मान लीजिए इस देश में बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगाई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देश की व्यवस्था बच्चों के, मान लीजिए उनको सहायता नहीं करना चाहती है, लेकिन जिनको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है वो उसी सीक्वेंस में उसी प्रायोरिटी में किया जा रहा है, और उसका आधार वैज्ञानिक है, उसका आधार कोई इमोशंस नहीं है। इसलिए खड़गे जी से भी बड़े आदरपूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, आपके स्वास्थ्य की और प्राणों की रक्षा वैक्सीन के माध्यम से भी करना ये हमारा, हमारी सरकार का और ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मेरा व्यक्तिगत तौर पर कर्तव्य है। इसलिए आप चिंता मत करिए, जब आवश्यकता होगी तो यंग लोगों का भी नंबर आएगा जिनको कोई बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगाने की जरूरत है उस श्रेणी में आप भी आते हैं, आप जरूर लगवाइए। जब वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई थी पहले चरण के बाद ये सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री आगे आकर क्यों वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, और आपने भी जैसे कहा कि जब उनकी बारी आई तब उन्होंने आकर वैक्सीन लगवाई। अब जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली है तो अब विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, और अब क्या विपक्ष को एक जवाब मिल गया है प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, जवाब मिला है कि नहीं मिला है, प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब देने के लिए तो वैक्सीन लगवाई नहीं है। हम कोविड के खिलाफ जो जंग 1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं वो किसी को जवाब देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम अपने देश के लोगों के प्राणों की कोविड से रक्षा करने के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, और इसमें जो हमारा धर्म और कर्तव्य है हम उसका पालन कर रहे हैं, और इसमें जो भी लोगों ने राजनीति मान लो की भी है, अभी तक की है कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एनफ इज़ एनफ, अब इस विषय पर कम से कम देश में लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, अब राजनीति का
अंत होना चाहिए। सबको वैक्सीनेशन कैंपेन को जन आंदोलन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने आज वैक्सीन लगवाई है, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से कोई वैक्सीन लगवाता हुआ नहीं देखा। आपको लगता है कि आगे भविष्य में ये तस्वीर देखने को मिल सकती है, या फिर कांग्रेस के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के लोग क्या, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, सभी नेताओं से, राजनेताओं से, सब पार्टियों की, कांग्रेस भी उसमें शामिल आती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो है सभी दूसरे विपक्षी दल या दूसरे सहयोगी दल, सबसे मेरी अपील है भाई, ये वैक्सीनेशन जो है राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये स्वास्थ्य रक्षा का विषय है, ये कोविड के खिलाफ जंग को जीतने का विषय है, ये एक प्रकार से संजीवनी है, ये हमारे प्राणों की रक्षा के लिए है, देश को बचाने के लिए है, और जिस जंग में हम सफलता की एक जिसे कहते हैं सीमा तक पहुंच चुके हैं, वहां से हम सीधे उसकी चरम सीमा तक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, उसमें हमें सबको मिलकर योगदान करना है, ये उतना ही है। राजनीति करने के लिए तो इतने सारे विषय हैं देश में, कोई विषयों की कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल, लोगों के मन में कोवैक्सीन को लेकर कई सवाल थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी खुद कोवैक्सीन ही लगवाई है और तमाम सरकारी अस्पतालों में भी कोवैक्सीन ही लग रही है। अब आपको लगता है कि लोगों के मन से शंकाएं खत्म हो जाएंगी कोवैक्सीन को लेकर? नहीं, शंका तो काफी हद तक 16 जनवरी से लगातार खत्म होती जा रही थी, कम हो रही थी। मेजॉरिटी हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया है, कोवैक्सीन भी लगाया है, दूसरी भी वैक्सीन लगाई है, और अभी भी अगर कोई शंका रहती है तो उसका तो देखिए कोई उपाय नहीं है। देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने स्वयं उस वैक्सीन को लगा लिया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो प्राण होता है उसकी रक्षा के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था होती है, कितने प्रकार के उसके लिए एडवाइस होते हैं, कितनी तरह की तैयारी होती है उनके हर एक एक्शन में, तो उनको कोई वैक्सीन ऐसे ही नहीं लगाई जा सकती, उनको वैक्सीन लगाने से पहले 1000 बातें सोची जाती हैं, तो उन्होंने लगा ली है तो इसके बाद तो कोई शक शुभा शंका का कोई विषय रह नहीं जाता। आप अब वैक्सीन कब लगवाएंगे? मेरी कोशिश होगी कि मैं आज शाम को अपने लिए अपने काम खत्म करके बुकिंग करा के और कल किसी समय पे मैं वैक्सीन को लगवाऊं। शुक्रिया से बात करने के लिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन के मुद्दे को राजनीति से अलग रखना चाहिए, राजनीति के लिए और मुद्दे भी हैं, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है इसलिए लोग भी अब आ गए हैं और वैक्सीन लगवाएं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री की बात आपने सुनी, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की बात भी आपको सुनाते हैं, उन्होंने भी देसी वैक्सीन को लेकर टीका टिप्पणी करने वालों को जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, आज भी उन्होंने देश को फ्रंट से लीड किया और सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, जो शंकाएं थी सबको दूर किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री अपने स्वयं के आचरण से संदेश देते हैं। एक तो उन्होंने कोरोना में देश को लीड किया, पूरे देश को, कितनी बैठक की मुख्यमंत्रियों के साथ, थाली भी बजी, ध्यान भी हुआ, लोगों ने उत्साह के साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। और क्या उन्होंने कहा, टीका सबसे पहले लगेगा डॉक्टरों को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारी को, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, पुलिस को। अच्छी बात है ना, देखा आपने। उसके बाद हम लोग का नंबर आया और उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये बहुत ईमानदारी से ऐसा मानते हैं कि देश को अगर साथ लेके चलना है तो अपने स्वयं के आचरण से संदेश देना पड़ेगा। और आज मैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा कि सुबह 7 बजे अपने आप गए एम्स में और टीका लगवाया। ये कितना बड़ा संदेश है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जन सेवक बनो, तो जन सेवक का सिर्फ भाषण नहीं देते, ईमानदारी से बन के दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात समझने की जरूरत है। हाँ, और हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का। सर, वैक्सीन को लेके राजनीति भी करने की कोशिश की गई थी, पहले जो अपोजिशन पार्टी थी वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री पहले खुद वैक्सीन लगवाएं, स्वदेशी वैक्सीन पर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे, अब लगता है कि राजनीति बंद हो जानी चाहिए वैक्सीन पर? देखिए, आज मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन जो इसको विरोध कर रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है, उनको जरा अपने गिरेबान में झांक कर ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अगर मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के दर्जनों देशों में लोकप्रियता पा रही है, WHO उसका अभिनंदन कर रहा है, और मोदी जी की अगुवाई में जो देश को उन्होंने आगे बढ़ाया कोरोना की लड़ाई में, उसकी चर्चा दुनिया में है, तो क्या एक बार वो राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते?
बाकी तो चुनाव है ना अभी चार प्रदेशों का, वहाँ पॉलिटिक्स कर लेंगे। क्या कोरोना पर हम एक नहीं हो सकते क्या उसी लड़ाई में? ये सवाल मैं जरूर कहना चाहूंगा। हालांकि आज भी राजनीति करने की कोशिश की गई, क्योंकि पुडुचेरी की जो नर्स है जिसने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाया, प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के गए थे, उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की गई। और अधीर रंजन चौधरी समेत जो तमाम नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाथ में गीतांजलि ले लेते तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है ना वहाँ भी मैसेज चला जाता। ऐसा है कि उनको विरोध करना तो कर दीजिए ना भाई, जिस दिन दीप जला था ना, याद है आपको ना, देश भर में कोरोना वायरस के पक्ष में मोदी जी ने तो असम का गमछा उस दिन भी पहना था, दक्षिणी मुंडू पहनी थी, कोई चुनाव था क्या उस समय? अभी उनको कौन समझाए? कुछ लोग सिर्फ सियासत के चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो उनको मुबारक है, मोदी जी की सरकार देश की सेवा के चश्मे से काम करेगी और वही उनकी प्रतिबद्धता होगी। और हमारे लिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात होगी बंगाल के फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हेट स्पीच के एक वायरल वीडियो की। इस वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।